वैसे क्या आपको पता है कि श्रीनगर की सबसे अच्छी चीज क्या है? अगर मेरी मानो तो मेरे हिसाब से वहाँ के लोग और वहाँ की नेचुरल ब्यूटी। और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो थोड़ी देर रुको, मैं आपको अभी यकीन दिला दूंगा, क्योंकि इस जगह का नाम है चश्मा शाही गार्डन, जो कि एक मुगल गार्डन है। और मुझे ये सजेस्ट किया था इन अंकल ने मुझे बताया कि श्रीनगर में बहुत से खास गार्डन है जहाँ पर बहुत ही खास किस्म के फूल उगते हैं, और वैसे फूल पूरे भारत में और कहीं भी नहीं उगते। और जो ये चश्मा शाही गार्डन आप देख रहे हो, ये गार्डन भी बहुत खास है, क्योंकि इस गार्डन के अंदर एक ऐसा फाउंटेन है जो पिछले 500 सालों से लगातार नेचुरली चल रहा है। पहाड़ों के बीचों बीच ये पानी कहाँ से आ रहा है इसका अंदाजा किसी को नहीं है, लेकिन ये पानी पीने लायक है और बहुत ही ज्यादा शुद्ध है। और उसके बाद जब मैं वापस डल लेक की तरफ आया तो मैंने देखा कि डल लेक जो कि पहाड़ों के बीचों बीच बसी है, वो बारिश रुकने के बाद और भी सुंदर लग रही थी। लेकिन एक चीज कभी मिस मत करना, और वो है डल लेक से सनसेट देखना। मैं तो बारिश की वजह से नहीं देख पाया, लेकिन कुछ नजारे ऐसे थे जो कि मैं शायद नहीं भुला पाऊंगा। और शाम को डल लेक की इन गलियों से होते होते मैं निकल जाता हूं सीधा लाल चौक की तरफ। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि जिस लाल चौक को देखने के लिए मैं 3 किलोमीटर पैदल चलकर गया था, तो मुझे वहां जाकर पता लगा कि लाल चौक पर रिनोवेशन का काम चल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मे बी नेक्स्ट टाइम।